शाम अदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का एनी टाइम न्यूज में खैर मकदम है। तेलंगाना के निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक अहदेदार के मकान से करोड़ों रुपये जब्त। नोटों की गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। जी नासरीन, तफसीलात के मुताबिक आज बतारीख 9 अगस्त को तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुप्रिंटेंडेंट के मकान पर धावा करते हुए करोड़ों रुपये की नकदी रकम को जब्त कर लिया। जहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो के एक अहम कार्रवाई में निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुप्रिंटेंडेंट व इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर नरेंद्रा की रिहायशगाह पर धावा के दौरान करोड़ों रुपये की नकदी रकम को जब्त कर लिया गया। जहां इस तलाशी के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसके घर से तकरीबन 3 करोड़ रुपये की नकदी रकम, बैंक बिल्स के तौर पर नरेंद्रा, इसकी बीवी और इसकी माँ के अकाउंट से 1,10,00,000 रुपए और 51 तोले सोना और 17 गैर मुतकी जायदाद जिनकी मालियत 1,98,00,000 रुपए बताई गई है जब्त कर ली गई। अब तक जब्त किए गए असासों की कुल मालियाती रकम 6,07,00,000 रुपए बताई गई है। जहां मकान की अलमारी में 500 रुपए के कई बंडल्स बरामद हुए जिसकी गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। जहाँ इस धावे के बाद नरेंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात एनी टाइम न्यूज के साथ। और इसी तरह की मजीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।